सर आजकल जो आपके स्कूल के बारे में और मैडम के बारे में जो भी इस टाइम जो खबर चल रही है उस पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे, उस पर कुछ अपनी राय बताइए सर जो चल रही है खबर। ठीक है सर, प्रिंट मीडिया ने तो 3-4 दिन निकाला है, उन्होंने स्कूल का नाम गोपनीय रखा है, लेकिन अभी तो सब खुल गया है। स्कूल का नाम सेंट अलोयशियस हाई स्कूल है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ फादर वाल्टर डी सिल्वा। मैं एक जुलाई 2019 में आया था, लगभग अभी 4.5 साल हो गए हैं। यस सर, ये जो मैडम के ऊपर आरोप लगाया है तो सर ये क्या आरोप सही साबित होता है सर, या इस पर कुछ तब तक लोग जो है बदनाम करना चाहते हैं सर? इस बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन मैडम पर आरोप लगाया है उनकी नियुक्ति 2005 में हुई थी, तो अभी तक वो 18 साल यहाँ पर पढ़ा चुकी हैं। ठीक है, 18वां साल चल रहा है। इन 18 सालों में सिर्फ उनकी तारीफ, उनकी सराहना छोड़कर ना बच्चों से ना पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं आई है। और बीते 4.5 वर्षों से मेरा भी अनुभव यही है कि वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं, नेचर में हो, आपस में अपने सहेलियों से, अपने सहपाठियों से हो, कुलीग से हो, बच्चों से हो, बच्चों को अपने बेटों के समान दिखती हैं, प्यार करती हैं, संबोधन करती हैं, पढ़ाती हैं हर समय। बच्चों की अगर तैयारी अधूरी है, ज़्यादा मेहनत करके उनसे पूछ पूछ के वो पूरा तैयारी करा देते हैं ताकि बच्चे अव्वल निकलें। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे अपने हिसाब से ये बेबुनियाद है, ये मनगढ़ंत कहानी है। सर एक आरोप और मीडिया में चल रहा है, धर्म परिवर्तन वाला, तो उस पर सर ये लिखा जा रहा है कि उनकी छुट्टियाँ काट दी गई, सर उस पर क्या टिप्पणी देंगे आप कि ये सही सच है या झूठ है? देखिए, उनको तो आरोपित किया ही गया है, ठीक है, और जबरन विद्यालय को भी लपेटने के लिए धर्मांतरण का लगाया गया है, और प्रिंट मीडिया ने भी कई चीज़ें निकाली हैं। मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ये विद्यालय बीते 75 साल से चल रहा है, 1948 का ये स्थापित हुआ है। इस साल हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बीते साल हम लोगों ने भारत देश का मनाया, इस साल हम लोग अपने विद्यालय का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस वक्त हम लोगों ने डेट भी तय की है, 9 नवंबर को हम लोग अमृतसव मना रहे हैं। और इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु हैं, हम लोग विश्व गुरु हैं, विश्व के सामने भारत देश ने अपना नाम रोशन किया है। तो इस विश्व गुरु, ये बहुत अच्छी बात है, पूरे विश्व में हमारा नाम चमक रहा है, तो उसमें हमारी संस्था का भी छोटा सा योगदान है। हमारे संस्था से निकले हुए छात्र, भूतपूर्व छात्र, वो माइक्रोसॉफ्ट में हैं, वो नासा में हैं, वो DRDO में है, रेलवे के चेयरमैन हमारे भूतपूर्व छात्र रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी 2022 में हमारे भूतपूर्व छात्र रिटायर होकर निकले हैं, उन्हीं को हम लोगों ने वास्तव में इस बार चीफ गेस्ट बना के बुलाया था। तो ऐसे सब जगह पे विश्व भर में छाए हुए हैं। इन 75 वर्षों में अभी तक कभी भी ऐसी बात नहीं आई है, इन 75 वर्षों में हम लोगों ने नाम कमाया है छोड़कर कहीं पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, इस वर्ष मेरे पास 1970 बच्चे हैं, 80 स्टाफ हैं, कुल मिला के 2030 हो गए। तो 2030 में मैं यहाँ पे पेरेंट्स को लाना ही नहीं चाहता हूँ, संख्या और बढ़ जाएगी। 2030 में यही एक बच्चा मिला,
वो भी मैम को, यही एक बच्चा मिला और कोई नहीं मिला। तीसरी बात, इसमें यह कहा गया है कि मैम उनको चर्च में ले जाती थी। चर्च केवल संडे को खुलता है, स्कूल के टाइम में खुलता ही नहीं है, और छावी रहती हैं चर्च के इंचार्ज फादर के पास, तो मैम चर्च कैसे ले जाएंगे? मैम चर्च कैसे ले जाएंगे? चौथी बात कही गई है कि मैम उसको अलग से ले जाती थी, उससे बात करती थी, और लड़का उनके पीठ पीछे छिपता था। उसको पीठ पीछे छिपने की जरूरत क्या थी? क्या उसको कैमरे से डर था? यदि उसको कैमरे से डर था, पीठ के पीछे छिपता था, तो पुलिस आने दीजिए, हमारा कैमरा खंगालने दीजिए ना, कैमरा खंगालने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौथी बात यह बताया गया है कि उसकी चोटी यशिका काटी गई है, ठीक है, वो अब हमारे स्कूल के कैंपस में और मैम ने कटवाया है। अटेंडेंस के हिसाब से, बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड के हिसाब से 30 तारीख आखिरी हाफ ईयरली पेपर था, 30 तारीख तक उसका अटेंडेंस देखा गया है, 30 के बाद उसका अटेंडेंस नहीं है। गौर करने की बात है, ध्यान दीजिएगा, गौर करने की बात है, उनके पिता, बच्चे के पिता अखिलेश शुक्ला ने पुलिस में कंप्लेन किया है 2 अक्टूबर को, और उनका बच्चा 1 अक्टूबर से स्कूल आया ही नहीं है।